पुलिस की पिटाई से सब्जी विक्रेता की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों व लोगों ने जाम लगाकर काटा हंगामा। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद, अधिकारी कर रहे समझाने का प्रयास, नहीं मिली सफलता। उन्नाव में आंशिक कर्फ्यू के दौरान एक सब्जी विक्रेता को सब्जी बेचने की सजा सजाए मौत मिली। दुकानदार पर पुलिस का कहर इस कदर बरपा कि उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने हरदाई मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की सूचना से उच्च अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए आनन फानन ही कई थानों का फोर्स मौके पर बुलाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बांगरमऊ कस्बे के मोहल्ला भटपुरी का रहने वाला फैसल पुत्र इस्लाम ठेले पर सब्जी लेकर फेरी लगाता था। शुक्रवार की शाम तकरीबन 4 बजे फैसल एक मोहल्ले में सब्जी बेच रहा था। इसी बीच पुलिस मौके पर आ गई तो वह पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उसे दौड़ते हुए पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, पुलिस ने उसको ले जाकर थाने में भी जमकर पीटा। पुलिस की पिटाई की वजह से फैसल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। आनन फानन ही उसे डॉक्टर के यहाँ लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल है कि फैसल ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि खाकी उस पर टूट पड़ी। क्या कानून के रखवालों ने सारी मर्दानगी एक गरीब फेरी वाले पर लाठी भांचने में दिखा दी? क्या पुलिस के सारे नियम सारे कानून सिर्फ गरीबों के लिए हैं? देश और प्रदेश साल भर से अधिक समय लगातार कोरोना और लॉकडाउन का दंश झेल रहा है। ऐसे में मध्यम वर्गीय लोगों को लॉकडाउन ने गरीबी की दहलीज पर धकेल दिया है, जबकि गरीब भुखमरी की कगार पर है। ऐसे में अगर कोई गरीब फेरी वाला अपने बच्चों के लिए लॉकडाउन के समय सीमा से बाहर जाकर सब्जी बेच रहा था तो कानून के रखवाले उसके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई करते, जुर्माने की कार्रवाई भी कर सकते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि खाकी गरीब फैसल पर टूट पड़ी? खैर, सवाल बहुत से हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब मिल पाना अभी मुश्किल है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार घटना से आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोगों ने हरदोई मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को मिली तो उनके भी कान खड़े हो गए। आनन फानन ही कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर तैनात करना पड़ा। आरोपित सिपाही के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक पुलिस का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह, उप जिला अधिकारी बांगरमऊ दिनेश कुमार सिंह, CO बांगरमऊ आशुतोष कुमार, CO सफीपुर बीनू सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं, जो गुस्साए परिजनों को समझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपी सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसके अलावा घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये क्या मामला है जो अभी एक लड़का आया है? ये लड़का पुलिस वाले लाए थे तो, और हमारे पास बहुत ही खराब कंडीशन में आया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, पेट में दर्द लेके आया था, तो हमने प्राथमिक उपचार किया, रेफर कर दिया और रेफर किया, गाड़ी स्वाट बुलाई और गाड़ी आ नहीं पाई उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। क्या उसके शरीर में कुछ चोट के निशान पाए गए? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसलिए हम सही चोट नहीं देख पाए, हमने केवल सबसे पहले उसका इलाज करना शुरू किया। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर फिर तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 News.